छत्तीसगढ़ में बस्तरहनी यहाँ के किसानों के लिए आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है। दंतेवाड़ा में सामूहिक रूप से मधुमक्खी पालन करने वाली महिलाएं मधुमक्खियों से ही प्रेरणा लेते हुए शहद का उत्पादन और व्यापार कर रही हैं। ये महिलाएं बस्तर हनी ब्रांड के अंतर्गत अपना उत्पाद लोगों तक पहुंचा रही हैं, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये शहद पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अभी अच्छा है। मधुमक्खी पालन में हम स्व सहायता समूह में जुड़े हैं तो अच्छा पालन कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। हम महीना में 10,000 बेच रहे हैं। घर गृहस्थी में अच्छा असर पड़ा है, मेरे बाल बच्चे के लिए बढ़िया हो रहा है सर, पढ़ाई लिखाई के लिए। अभी तो सर कम से कम 25 गांव में चल रहा है। इस मुहिम के तहत 15,000 से 20,000 स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार देकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बस्तर हनी के माध्यम से दंतेवाड़ा की 200 महिलाओं और 800 परिवारों के साथ साथ बीजापुर के 150 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। जो आदिवासी हमारे समाज के लोग हैं वो मधुमक्खियों पर जो काम कर रहे थे, जला देते थे मक्खियों को, मार डालते थे, उसको कैसे बचाना है तो वैज्ञानिक विधि से उसका हनी निकालना और उसको मार्केट में पहुंचाना, इनकम में काफ़ी असर आया है। उत्पादन की बात करें तो हर साल हर बॉक्स से लगभग 15 से 20 किलो तक शहद का उत्पादन होता है। सामूहिक रूप से हर साल लगभग 4 से 5 टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। 1 किलो शहद के लिए 300 रुपए का भुगतान इन महिलाओं को किया जाता है।